बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट के थ्रू पूछा था कि DIR 825 वाईफाई राउटर को किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो आज हम इस वीडियो में वही सब सिखाने वाले हैं। यह है D-Link का DIR 825 मॉडल, बहुत ही बेहतरीन और आपकी बजट में भी। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये डुअल बैंड वाईफाई राउटर है। जी हाँ, बेहतरीन फीचर्स है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन टोटली हम मोबाइल पे सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वाईफाई डिवाइस से अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेना है और कनेक्ट करते हुए आपको आईपी एड्रेस डालना है 192.168.0.1 और आपको कुछ इस तरह से लॉगिन पेज हाईलाइट होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लैंग्वेज को कंटिन्यू करना है, यस। आफ्टर दैट आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप मोड पे लेके हम आपको इसमें अदर इन्फॉर्मेशन भी दिखा देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए D-Link कंपनी हाईलाइट हो रही है, ब्रांड हाईलाइट हो रहा है। आफ्टर दैट यहाँ बगल में ही आपको मॉडल DIR 825 भी दिख जाएगा। आपने क्या करना है कि मॉडल नंबर तो हमने दिखाई दिया है, आपने अब क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। ये काम मोबाइल से ही किया है पर हमने ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड पर कर लिया है ताकि इसका इंटरफेस ईजिली समझ में आ सके। तो आपने भी क्या करना है, अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड पे ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज को यस करना है, देन कंटिन्यू क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस मोड पूछ रहा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने क्या करना है, वायर के थ्रू ही कनेक्टिविटी इसमें इनपुट करनी है। यहाँ पे मोड राउटर रहेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन टाइप पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्शन टाइप सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है, PPOE होता है। वैसे तो हमारा नेटवर्क PPOE है, तो PPOE को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालने वाले हैं। यूजर नेम और पासवर्ड हमने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है और अब हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अगला पेज हाईलाइट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नेक्स्ट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली हमको अब वायरलेस नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जा रहा है। तो सबसे क्या करना है, हमने 2.4 GHz को कॉन्फ़िगर करना है। वाईफाई का नेम अगर चेंज करना चाहें तो चेंज करिए, और देन उसके नीचे ही आप देख सकते हैं उसका पासवर्ड भी है। तो पासवर्ड अगर जो आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करिए, अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट है उसको रहने दीजिए। सेम टू सेम ऐसे ही आपको 5 GHz वाले को भी कॉन्फ़िगर करना है नेक्स्ट करते हुए। और यहाँ पे पूछ रहा है IPTV, तो यहाँ पे अनटिक करेंगे। अगर जो चेक बॉक्स लगा होगा तो हमने क्या करना है, अनचेक करते हुए नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन पूछ रहा है VOIP का, तो इसे भी अनचेक करके आगे करना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड जो होता है, वहाँ पर पासवर्ड को यहाँ पर चेंज करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो आप क्या करिएगा, अपने हिसाब से कुछ भी 4 या फिर 8 कैरेक्टर का लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। लॉगिन पासवर्ड डालते ही हमने अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग की समरी आ जा रही है, इसको ठीक से देख लीजिएगा ताकि कोई डाउट ना रहे, और ख़ास तौर से जो वाईफाई का पासवर्ड होता है उसको ठीक से ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा लॉगिन पासवर्ड को भी नोट कर लीजिएगा। आफ्टर दैट अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो भी हमारी सेटिंग है वो सेव होगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो हमने वेट करना है।
और आप देखेंगे कि एक से दो मिनट में सेटिंग जो है वो सेव हो जाएगी और उसके बाद इंटरनेट भी स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो देखा आपने कितनी आसानी स्टेप्स में हमने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया है। दो मिनट का ये प्रोसेस है, इजीली आप इसको कर लेंगे। अगर जो आपको इस प्रकार के डिवाइस और भी ज़्यादा चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हमने दे दिया है, इसको तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही इजी इसका सेटअप है और साथ ही साथ कम बजट में डुअल बैंड का फीचर्स मिल जाता है। तो आई होप आप इसको ऑर्डर ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको अगला वीडियो अब किस टॉपिक पे चाहिए, और साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा अपने मित्रों में लिंक शेयर जरूर करें, जिससे कि हम इंडिया में टेक्नोलॉजी का विकास कर सकें।